नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने महिला अपराध में शिथिलता बरतने व लापरवाही बरतने पर फरिया पुलिस चौकी के समस्त स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि दो दिन पहले ही फरिया चौकी पर पकड़ी गई युवती का रुपया सुपुर्द न करने के मामले में चौकी प्रभारी एक सिपाही को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कुछ दिन पूर्व जन सुनवाई में एसपी से फरियाद लगाई कि उसकी पुत्री घर से कुछ रुपये और मोबाइल लेकर गायब हो गई है। युवती को फरिया पुलिस चौकी के प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी की टीम ने पकड़ा और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान पुलिस ने युवती के मोबाइल फोन को दे दिया, लेकिन रुपये नहीं दिए। जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने एसपी यात्रा सुधीर जायसवाल से इसकी जांच कराई। जांच में चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी और आरक्षी सौरभ पांडे दोषी पाए गए। वहीं जांच में सभी का दोष तो निर्धारित हुआ, लेकिन यह पाया गया कि इस प्रकरण में चौकी पर मौजूद समस्त कर्मचारियों की असंवेदनशीलता कथित हुई है, जिसके कारण समस्त स्टाफ 15 आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं युवती के पास धन रखने के दोषी पाए गए वहीं युवती से धन रखने के दोषी पाए गए चौकी प्रभारी और एक आरक्षी को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग ने बताया कि गायब युवती को निजामाबाद थाने से संबंध फरिया चौकी प्रभारी ने पकड़ा और परिजनों को सुपुर्द किया, लेकिन युवती के पास बरामद रुपए को वापस नहीं किया। एसपी यातायात की जांच में दोषी पाए गए चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ला और आशीष सौरभ को निलंबित कर दिया गया। वही जांच में यह तथ्य सामने आया है कि चौकी पर नियुक्त समस्त कर्मचारीगण की असंवेदनशीलता परिलक्षित हुई है। महिला एवं बालिका सुरक्षा को लेकर इन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके कारण समस्त स्टाफ 15 आरक्षी लाइन हाजिर कर दिया गया है और इन्हें महिला व बालिका की सुरक्षा के प्रति विशेष प्रशिक्षण पुलिस लाइन में दिया जाएगा। जन सुनवाई में एक महिला मेरे समक्ष उपस्थित हुई। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्ची जो घर से कहीं चली गई थी और कुछ पैसा लेके और मोबाइल लेके गई थी, उसको पुलिस के द्वारा ढूंढ के उनको सुपुर्द किया गया। ये थाना क्षेत्र गंभीरपुर की रहने वाली है, चौकी फरिया क्षेत्र में जो निजामाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ ये लड़की मिली थी। सुपुर्दगी के टाइम मोबाइल तो दिया गया, लेकिन जो पैसे बच्ची घर से लेकर निकली थी वो वापस नहीं दिए गए। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। इस प्रकरण में चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश और आरक्षी सौरभ, ये दो लोग दोषी पाए गए। जो बच्ची पैसे घर से लेके गई थी वो वापस नहीं किए गए थे, इसके संबंध में ये दोषी पाए गए। दोनों को मेरे द्वारा निलंबित किया गया। इस प्रकरण में कुछ चौकी के अन्य सिपाही भी मौके पर गए थे, जिनका दोष निर्धारण इसमें नहीं हुआ है। पूरे प्रकरण में जो चौकी पर नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी असंवेदनशीलता परिलक्षित हुई है, इनको विशेष प्रशिक्षण की पुलिस लाइन में आवश्यकता है। महिला एवं बालिका संबंधी प्रकरणों में पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए और जो वादी पक्ष है, जो सूचनाकर्ता पक्ष है, उसके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कोई लापरवाही बरते। इस पूरे प्रकरण में जो चौकी पर नियुक्त कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी चौकी पर नियुक्त हैं, इनको विशेष प्रशिक्षण के लिए महिला तथा बालिकाओं के संबंध में जो प्रकरण आते हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। पुलिस लाइन से 15 कर्मचारियों को पुलिस चौकी पर नियुक्त किया गया है, ताकि चौकी पर किसी प्रकार की कोई जन समस्याएं का निराकरण किया जा सके। कितना पैसा था जिसके लिए नहीं? जांच में जो आवेदिका है उन्होंने कुछ अलग रकम बताई है, लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास की रकम थी जो इस बच्ची अपने साथ लेके गई थी और जो वापस इसके परिजनों को नहीं दी गई। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।